गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, साइंस प्रैक्टिस पेपर फोर्थ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हीमोफीलिया इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ, हीमोफीलिया संबंधित है ऑप्शन ए लेबरर्स, ऑप्शन बी रॉयल फैमिलीज, ऑप्शन सी माइनर्स एंड ऑप्शन डी स्पोर्ट्समैन। इसका सही जवाब है रॉयल फैमिलीज। हीमोफीलिया में ब्लड डिसऑर्डर, इट इज़ ए ब्लड डिसऑर्डर इन विच द ब्लड डज नॉट प्रॉपर क्लॉट। इस बीमारी में ब्लड का यानी कि रक्त का सही ढंग से थक्का नहीं जम जा पाता और ऐसा माना जाता है कि ये हीमोफीलिया यूके से आया है और यूके में की जो रानी हुआ करती थी रानी विक्टोरिया, उनको ये बीमारी थी। तो इसका जो सही जवाब होगा रॉयल फैमिलीज, रॉयल फैमिलीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय, रक्त समूह की खोज की अल्टमैन। आपको बता दें कि अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी एंड कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। लॉस कोई साइंटिस्ट नहीं है एंड रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया पैरासाइट की खोज की थी। तो इसका जो सही जवाब होगा कार्ल लैंड स्टीनर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज, इसका जो सही जवाब है एन एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज यानी कि झूठे फल का उदाहरण, ऑप्शन नंबर ए जो एप्पल होता है झूठे फल का सही उदाहरण है, फॉल्स फ्रूट एप्पल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड एज अ, पेड़ की छाल को मसाले में इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से सिनेमन क्लो नीम पाम। जो सिनेमन है दालचीनी की जो का जो पेड़ होता है इसका इस्तेमाल हम लोग मसालों में करते हैं, लौंग एक कली और नीम का इस्तेमाल हम लोग ड्रग यानी कि औषधि में करते हैं और ताड़ तेल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा दालचीनी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फाइव, द वेक्टर ऑफ डिजीज स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग का घटक है, ऑप्शन नंबर ए सैंड फ्लाई, ऑप्शन नंबर बी हाउस फ्लाई, ऑप्शन नंबर सी फ्रूट फ्लाई एंड ऑप्शन नंबर डी सीसी फ्लाई। सैंड फ्लाई को मरुमक्खी का बोलते हैं एंड घरेलू मक्खी ये जो नॉर्मली घरों में होती है वो घरेलू मक्खी है, फ्रूट फ्लाई फल मक्षिका यानी कि जो फलों में मक्खी बैठती हैं वो फल मक्षिका है, सीसी फ्लाई इज़ ए राइट आंसर यानी कि सीसी फ्लाई निद्रा रोग, ये अफ्रीका से आई हुई है और इसकी वजह से अगर ये काट लें या फिर बैठ जाए तो इसकी वजह से निद्रा रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ आर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एन इंसेक्ट कैचिंग प्लांट इज, कीट बच्ची पौधा है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, सिमलेक्स एंड नेपेंथीस, ऑप्शन नंबर डी न्यूरियम। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ये ऑस्ट्रेलिया का प्लांट है, सिमलेक्स ऐसा कोई प्लांट है ही नहीं एंड ऑप्शन नंबर सी है नेपेंथीस। इट इज़ अ एन इंसेक्ट कैचिंग प्लांट यानी कि ये प्लांट ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और ये अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा कंप्लीट करने के लिए ये इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, लीवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन,
मछली यकृत वसा में विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के एंड विटामिन ई। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन के का केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनॉन एंड विटामिन डी टोकोफेरॉल। जिसका जो राइट आंसर होगा, इसमें जो रिच इन सोर्स लीवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन सोर्स, इसका जो सही आंसर होगा विटामिन ए। सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए पाई जाती है मछली यकृत वसा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, ज्वाइंटिस इज कॉज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ, पीलिया संक्रमण से फैलता है, ब्रेन, लीवर, किडनी, स्प्लीन। मैं आपको बता दूं कि ये इसका जो इफेक्टेड ऑर्गन है, ज्वाइंटिस का इफेक्टेड ऑर्गन है आपका लीवर। इसमें जो जिस व्यक्ति को अगर पीलिया हो जाता है तो उसमें हमारे ब्लड में एक्चुअली में क्या होता है, हमारे ब्लड में बिलिब्रम नामक एक रस पाया जाता है ब्लड में, जिसमें इसका औसत, इसकी औसत मात्रा 1-2% यानी कि 1% to 2% होती है। और इससे ज़्यादा अगर ब्लड में 1-2% बिलिब्रियम यानी कि बिलिब्रियम अगर एक्स्ट्रा हो जाता है 1% to 2% से ज़्यादा अगर हो जाता है तो यानी कि हमारी त्वचा पीली पड़ जाती है और आंखें पीली हो जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, और हमारे लीवर में यकृत में जो कोशिकाएं होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं, तो इट इज़ अ राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी लीवर। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फिंगर नेल, नाखून में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, एक्टिन, मायोसिन, ग्लोबिन एंड क्रिएटिन। मैं आपको बता दूं कि क्रिएटिन नामक प्रोटीन जो होता है ये हेयर्स में, नेल्स में एंड हॉर्न यानी कि सींग वाले जो जानवर होते हैं उसमें अल्फा क्रिएटिन, और बालों में अल्फा क्रिएटिन और नेल्स में अल्फा क्रिएटिन पाया जाता है। तो आपका ये नाखून में ये आपका क्रिएटिन इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड, इनमें से कौन सी ग्रंथि नहीं है, थायराइड ग्लैंड, ये तो थायराइड ग्लैंड होती ही है, स्टोमक, लीवर एंड पैंक्रियास। जो थायराइड ग्लैंड है ये थायराइड आल्सो ग्लैंड, लीवर इट इज़ अ ग्लैंड आल्सो एंड पैंक्रियास, पैंक्रियास आल्सो ग्लैंड बट इट इज़ नॉट ग्लैंड, स्टोमक कोई ग्लैंड नहीं है। सो इट इज़ अ राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू वेरी मच।